राम राम जी, ऐसे कैसे हो? ठीक हो? हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूछिए बात। फिलहाल आज सोच रहे कुछ बना दे, क्योंकि ना हम गए थे मार्केट में खरीदने के लिए, बहुत महंगे थे और अच्छे भी नहीं थे, और क्वालिटी में ना अच्छा नहीं था, तो सोच रहे घर पे ही बना दे और देखते बनता है कि नहीं बनता है। आज सोच रहे ना कि मेहंदी हल्दी के लिए थाली बना दे। आज थाली भी है और दिमाग भी काम कर रहा है सही से। आज सोच रहे बना दे मेहंदी हल्दी का, मेहंदी हल्दी का थाली, देखते कैसा ही बनाते हैं हम। देखो आप, और इसे मैंने कवर कर दिया है पीले कपड़े से, तो किसी ने नहीं है ना। और ये देखिए, ये मिठाई का डब्बा ऊपर से है, इसमें भाई हेल्प करा है हमारा कि अभी इतना रेडी हुआ है। और यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें हम लगाएंगे फ्लावर, समझ नहीं। रीम छोड़ दे ले हो। ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि मेरे पास सामान ही नहीं है। इतना तो बन गया ना, और मुझे चेत पर ही क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो हम सोच रहे जाएंगे बनारस, अब मुझे दिखेगा इतना बड़ा प्लास्टिक का कटोरा वो ले आएंगे, उसे कवर करके फिर बनाएंगे। और हम बना रहे थे मेहंदी के लिए, लेकिन मेहंदी के लिए मुझे चाहिए वेलवेट, बस ज़्यादा नहीं इतना बड़ा चाहिए, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। मैंने पूरा झूला खोजा लेकिन है ही नहीं, तो अब जाएंगे बनारस फिर से मतलब और काम के लिए, इस काम के लिए नहीं और काम के लिए, तो जाएंगे तो मेहंदी का पूरा ये कितना बड़ा लेके आएंगे वेलवेट का, फिर चिपका के मस्त बना देंगे, हो जाएगा रेडी। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं, 150 रुपया बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब इसमें ना बहुत सारा काम करना है, पूरा फ्लावर लगाना है और यहाँ पर भी थोड़ा फूल लगाना है, तो बजा के रेडी होगा। बट अच्छा लगा इसमें ना। अच्छा आज हम मतलब कि आज सोच रहे ना, जो मैंने हल्दी के लिए अपना ड्रेस लिया वो सब वो आपको दिखाते हैं। इसमें ये टोटल इतनी सारी साड़ियाँ जो कि मैंने खरीदी है, और ये मेहंदी भी जो कि बहुत अच्छी मेहंदी है, बहुत जल्दी मतलब इसका कलर ना बहुत अच्छा आता है। तो ये रख देते हैं सारा सामान यहीं पे बैठ के खड़ा है, क्योंकि तो जगह नहीं है ना, उस वाले घर में भी बहुत सारे सामान है और उसमें भी बहुत सारा सामान है। तो ये सारी साड़ी आप सबको दिखाने वाले हैं, इतना सारा खरीदा है और प्राइस आप सब बताना कितने कितने का होगा, लेकिन प्राइस बिल्कुल एकदम सही है, ज़्यादा हाई नहीं है ना। मैं लड़ा इसके लिए मेरा पैर दुखता है, क्योंकि मुझे बहुत दौड़ना पड़ता है, अलग अलग दुकान में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, जहाँ पे मेरे हिसाब से प्राइस रहता है वहाँ से लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है, एक एक साड़ी ना मैंने चुन चुन के लिया है, बहुत ही प्यार से लिया है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको हल्दी वाला, जो कि हल्दी के लिए लिया है मैंने, वो है साड़ी। ये देखो आप, ये है इसका आंचल और बाकी पूरा ऐसे ही है। अड़ो किस तरह था, अच्छा लग रहा है भी ना। जैसे उनका था ये हल्दी के लिए साड़ी लिया मैंने, और इसका मुझे ब्लाउज समझ नहीं आ रहा है। हम सोच रहे ब्लाउज अगर मैचिंग करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, सोच रहे कौन सा कलर ब्लाउज ले, ग्रीन कलर ब्लाउज इस पर लगा दे कि या फिर रेड कलर, आप सब बताना कमेंट में, ठीक है। मतलब जिनको समझना है वो आप सब बताना कि इस पर हम कौन सा कलर ब्लाउज ले, रेड या फिर ग्रीन। देखो पूरा ग्रीन कलर लाल चली। ये हो गया हल्दी के लिए, ये लिया है मैंने मम्मी के लिए, जो कि बहुत सुंदर है नहीं? ये ऐसे पूरा है गोटा, मजे ये साड़ी ना बहुत हल्की है लेकिन बहुत मस्त है। कलर में कौन सा ये लाल का, कुछ हल्का पिंक में है, लाल पिंक, लाल पिंक लेके लिया है। तो पिंक दो साड़ी हो गई, अब आपको और दिखाते हैं। आपको दिखाई थी ये वाली साड़ी जो कि मैंने मम्मी के लिए लिया है, स्पेशली जब शादी होगी बारात आएगा उसके लिए, ये वाली साड़ी इसका ब्लाउज काट देती मैं, इसका ब्लाउज काट दे रहा आज। देखिए कलर मस्त लग रहा है ना, लाल ना पिंक में पूछा, अच्छा था वो। अब सब बताना हमने साड़ी सही से लिया कि नहीं लिया, अभी अभी और दिखा रहा है कदी में, लेकिन मम्मी को विश्वास नहीं है। मम्मी बोली हम नाप के तभी ब्लाउज काटेंगे, देख लो तब कितना निकाल, देखो इतना दिया है ना,
पूरा वर्क दिया है ना, हम बोल रहे इतना काट लो, बोले नहीं इतना काटो, क्योंकि मम्मी के लिए ब्लाउज इतना बड़ा बनाना है, बस छोटा दे दो। गर्मी लगी। कौन साड़ी लेके, कौन साड़ी लेके, कौन साड़ी लेती है? मैं आपको पूरा साड़ी दिखा रहा हूँ। ये साड़ी तो पूरा मम्मी का, बस इतना ब्लाउज दिया है इसके हिसाब से। तो बता तुम वाला इतना काट लिया बच्चे इतना किला हो रही है दो साढ़े पाँच मिनट साड़ी है। हाँ तब तक पाँच मिनट से करा ना आदमी को पता नहीं एक्स्ट्रा साड़ी लेके क्या करेंगी बनी हो प्लेट ना बनी सब का ना बनी तो मस्त साड़ी वो भी सफारी मस्त साड़ी सारा सब कुछ मस्त साड़ी है। और ये साड़ी अपने लिए करा है पिंक कलर। ये साड़ी मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। और इसी बहाने अब ना अभी देखो नाप रहा है इसका साइज कितना है। मम्मी ये देखो ये देखिए हाँ चल पूरा ब्लाउज के ब्लाउज ठीक दे दिखाइए। मैं ब्लाउज ना दिखाई और ये इसका कोसने वाला को ब्लाउज ना पूरा मस्त तरह ब्लाउज दिया है इतना नापे है ना टोटल बस अब साड़ी देखे देंगे जो मेरा उतना ठीक है। और तीन चार साड़ी पहले का मिला जुला के मम्मी इतना साड़ी खरीदने में हालत खराब हो गया पहले आज देखिए मुझे मुझे बहुत बहुत पसंद आया ये साड़ी। सिर्फ हाथ में लेते हैं ना इतना इतना अच्छा हुआ ना ऐसे तो होते नहीं एकदम सॉफ्ट और एकदम फैंसी और ऐसा साड़ी ना मार्केट में था ही नहीं। बहुत मस्त लगा ये वो साड़ी जो आप लोग को दिखा रहे हैं बोले इतनी वो है ना ऐसे हो रही था साफ ऐसे हाँ बिल्कुल साफ की तरह एकदम ये है एकदम साफ की तरह लटकता रहता है दिखाया आपको बहुत मस्त साड़ी है इधर कीड़ा की तरह है सच्ची बता रहे हैं आप सब कैसे हम फील कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है देखकर फील हो जा रहा है सही है ना कुछ समझ में आता वीडियो में हाँ। ये देखिए अगर इसको ऐसे कर रहे हैं कितना अच्छा सी सॉफ्ट से एकदम हो रहा है एकदम ये देखिए का गजब साड़ी है ऐसे नहीं ये धूप छाए वाले कुछ है ना इसमें आप जिस तरीके से मतलब आप कोई भी ना ऐसे हम इधर देखें तो ये अलग कलर दिखेगा उधर से अलग कलर इधर से अलग ऐसा साड़ी जैसे मेरा दरवाजा है सेम दरवाजा सिनेमा से लगता ना साड़ी हाँ एकदम जैसे कोई फेंक देगा या वैसे ही पड़ा रहेगा फोटो देखना अच्छा लगा साड़ी बस कुछ कुछ घंटों के लिए है बाकी अपना सूट जिंदाबाद मम्मी मस्त लग रहा है ना साड़ी ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है ये इसका अच्छा इसमें का एक ही पीस था ही नहीं और कलर होता ना तो एक और लेते हैं ब्लाउज करते हैं ये इसका ब्लाउज नाप दीदी ये साड़ी कौन सिर्फ नाम मात्र चार पांच अभी क्या बोली मम्मी हमने अभी काट के बोलते कि हमारा थोड़ी ना हाँ सही देखो हम देखते हाँ साड़ी पांच मीटर निकल गया साड़ी कटा 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 ये ओके जी ओके वैसे तो अच्छी है साया मम्मी ने बनाया मम्मी ने बहुत मेहनत से साया बनाया क्योंकि ये साया कोई सिंपल साया नहीं है ये देख लो ऊपर साइनिंग है ना इसमें डबल कपड़ा लगा है एक साइनिंग वाला और एक विदाउट साइनिंग वाला ये देखिए ये है नॉर्मल साया और ये है ये दोनों मिक्स करके मम्मी ने साया बनाया किसके लिए उस हल्दी वाले साड़ी के लिए मम्मी के लिए तो एक लाइक बनता है हाँ इस वीडियो में कम से कम 50,000 लाइक हाँ मम्मी के लिए हाँ हो जाएगा हो जाएगा अगर से करेंगे तो हो जाएगा जो जो सारे लोग मम्मी से उन्हें प्यार करते हैं तो मम्मी के लिए एक लाइक लाडो का भी पूरा हो 50,000 देखते हैं क्या होता है इतना बड़ा ड्रीम सुनी इतना बड़ा ड्रीम पूरा हुई अगर से सब ना अगर से सब एक दूसरे को सेंड करेंगे भेजेंगे शेयर करेंगे ना हो जाएगा
पक्का? चलो जी, क्या पता हमारे लाडो की विश पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है कि लाडो के लिए ड्रेस बहुत स्पेशल है, बस आप सबको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि लाडो का ड्रेस ऐसा होगा ना कि भाई साहब मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक दिखी किसी ने। ये हमारी गारंटी है और हम इसे पूरा करेंगे। तो बताए सिन्नी के लिए हील भी आया है, जो सिन्नी आपको सबको बाद में दिखाएगी ना सिन्नी। हाँ। क्या अभी बाद में ना सिन्नी के सिन्नी का दाम हील ना पहने इसीलिए। हाँ सिन्नी हील लिया है, मंदी का पहने नहीं है कभी। और बताए आपको, बस मैं इतना झाड़ी खरीदा और खरीदूंगी भी नहीं क्योंकि तो पैसे बहुत सारे लग रहे हैं ना लड़ो। पुराना सामान थोड़ा सा पैसे ज्यादा, इसलिए बहुत इतना सामान लेकर एक झोले पैसे खत्म। कितना? बहुत सारे। इसलिए साड़ी नहीं लेंगे, बाकी साढ़े तीन चार साड़ी घर पे है और थोड़ी सी उम्मीद तो कर ही सकते हैं जो आएंगे साड़ी लेके आएंगे। अरे अरे मतलब कि जैसे कि दीदी हो गई है इन सबसे ना कि और मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट कोई नहीं उम्मीद भी नहीं करेंगे। ठीक है दीदी लोग विदाई दे रहे थे घबराए बस। अम्मी दीदी लोग विदाई भी दे रहे घबराए बस। विदाई दो पड़ी सॉरी जी, सॉरी मजाक कर रहे थे, आप सीरियसली मत लीजिएगा, मजाक कर रहे थे। साड़ी जितना होता है ठीक है, और कौन हमेशा पहनना है दीदी का तो पहनना है सूट लोअर सेट जींस फ्रॉक और अब आए थोड़ा अस्तर लेके आए फिर अस्तर ब्लाउज सी लिया और हम सही से बोल नहीं पा रहे हैं। पता क्या है, हम खा रहे थे खाना, यहाँ पे कट गया हमारा। पापा आ गए जा ना, छुट्टी है अपने घर पूरा दिया रखा कहे लगा लो निक गोलू नाम 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 नहीं लिख लिया लिख दी नाम लिख लिया हम लिख दी का कुसुम नहीं रहा गोलू लिखवा वाला कुसुम लिखा खाली ना कुसुम गोलू लिख दी गोलू क्या लिखू गोलू इसके फ्रेंड का नाम है कुसुम कुसुम के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ता ही है गोलू लिख दिया हम कुसुम और यही मेरा कटा है आज देखिए मैंने जूते अपने साफ करे बनारस जाके ना एकदम गंदा हो गया था लेकिन आज देखिए तो मस्त चमक रहा है। जिस दिन घर में रहते हैं ना तो यही सब काम पड़ जाता है थोड़ा करके। अभी साफ हो गया है ना आराम से पहन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे भी लग रहा है। खाना बनाओ क्या, कपड़ा सब रखना है, खाना बनाना है, टाइम मिलेगा तो कपड़ा भी सीना है। समझ नहीं आता कौन सा काम करे कौन सा काम छोड़े। देखो सिन्नी जस्ट पानी लेके जा रही है किचन में, अभी सारे काट रहे भिंडी मर जाओ भाई। लोग काम करते हैं उसके कबाब किया एक नीचे सही हो वीडियो चालू था सारे लोग काम में आप सीने जा रही है पानी भरने हम जा रहे हैं थोड़ा सा किचन में। मन करता है सो जाए मम्मी सारी घटो काम करना पड़ेगा। 5:20 फिलहाल खाना रेडी हो गया, भिंडी का सब्जी और चुकंदर का रोटी और अचार, आप सब भी खाना खा लो। भाई अपने साथ खा रहा है हेलमेट लेके, ये आप देख लो कपड़े कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अभी टाइम हो रहा है 8, तो अभी मुझे इस वाले कपड़े पे काम करना है और ये कपड़ा ना आप सब पहचान के रख लो, हम जब रेडी हो जाएगा ना फिर आप सबको दिखाएंगे अच्छे से। अगर अभी दिखाएंगे ना काय से दिखेंगे ना, तो रेडी होने के बाद दिखाएंगे ठीक है। अगर कभी कभी कमेंट का रिप्लाई ना आया ना तो आप सब समझ जाइएगा कि बहुत बिजी है इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम भी तो थक जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसलिए ठीक है। फिर आज की वीडियो करते हैं खत्म, वीडियो कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर इस तरह कर दीजिएगा। और कैसा लगा मतलब सारा चीज़ें सब कुछ कैसा लगा, कलर साड़ी कैसा लगा आप सब बताना ठीक है। सच्ची में अगर हाँ आप फिर हंसते रहिए उसको चलती रहिए जी, राम राम। समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या बोले जा रहे हैं।